प्रदेश के मुरादाबाद में खाद न मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के PCF खाद गोदाम पर खाद न मिलने से और खाद को महंगी दरों में बेचने जाने को लेकर किसान परेशान हैं। आरोप है कि खाद गोदाम के अधिकारी गोदाम में खाद का स्टॉक लगाए बैठे हैं और महंगी दरों में खाद को बेच रहे हैं। खाद लेने पहुंचे किसानों से जब बात की गई तो किसानों ने कहा कि खाद गोदाम में खाद का स्टॉक लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी खाद नहीं दे रहे, जिसमें यहाँ किसानों की भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सभी किसान यहाँ आकर खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। ना तो कोई अधिकारी किसानों की सुनता है और ना ही कोई यहाँ रेट टू रेट खाद को विकृत कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या इस टाइम किसान को खाद की बन चुकी है। यह अधिकारी गोदाम में स्टॉक लगाकर कालाबाजारी कर रहे हैं। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। खाद टाइम पे नहीं मिल रहा है, परेशान है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख पा रहे हैं किसान, क्योंकि मारामारी इतनी हो रही है कि किसानों को मिल ही नहीं पा रहा है खाद। ये लोग कह रहे हैं, यहाँ पे हमने इंचार्ज साहब से बात करी, वो ये कह रहे हैं कि हम तो लगातार बंटवा रहे हैं, अभी हमें पता लगा है कि करणपुर का जो है सोसाइटी वो बंद पड़ी है। हम वहाँ भी जाके पता करेंगे कि क्यों बंद पड़ी है, वहाँ के किसानों को भी यहीं पे आना पड़ रहा है, वो लोग परेशान हैं जी। यहाँ किसानों की ये समस्या है कि यहाँ सुबह से लगातार यहाँ खड़े हैं और तब भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा। ये बता रहे हैं कि इंचार्ज साहब की कल ही माल आया है और ये लोग आज सुबह से बंटवा रहे हैं। अब पता नहीं, हमने यही पूछा इनसे कि बंटवा रहे हैं तो भीड़ कम क्यों नहीं हो रही है लगातार, अगर आप बंटवा रहे हैं तो। और इसी वजह से जो है यहाँ पे भीड़ इतनी हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है ना, ये लोग इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि मास्क के लिए कहें किसानों से कि मास्क पहन के आए और थोड़ा दूरी से खड़े हों, कोई मतलब नहीं इन्हें, सिर्फ और सिर्फ अपना। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ सहयोग है? यहाँ पर पुलिस प्रशासन हमें तो दिखाई दे नहीं रहा, नहीं है। बाकी जो भी इंतजाम वो इंचार्ज साहब बता पाएंगे, इन्होंने कुछ मदद मांगी या नहीं मांगी। ठीक सर, क्या नाम है आपका? फयाज, मोहम्मद फयाज। कहाँ के निवासी हैं? खानपुर लक्की। अच्छा, कब से चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर? कम से कम हो गए 7-8 दिन। कौन सा गोदाम है ये? ये दलपतपुर का गोदाम है। दलपतपुर। कितनी जमीन आपके पास? मेरे करीब है 10 बीघे जमीन बटाई उटाई थी। कितने कट्टे मिले? 2 मिले बड़ी मुश्किल। अच्छा, क्यों परेशानी क्यों आ रही है, ऐसी क्या बात है? परेशानी इनकी वजह से आ रही है, मारने में और खाद आने में। अच्छा, दुकानों पर मिल गया खाद? नहीं, दुकानों पर भी ना मिल गया। प्राइवेट में नहीं मिल गया? नहीं। कितनी जमीन है आपको? 10 बीघे जमीन। ये 10 बीघे में 2 कट्टे काम कर देंगे? कहाँ कर देंगे सर, बहुत पड़ा ही ना, एक बार डाला शुरू में, जब लगाने के बाद में। इससे फसल खराब हो सकती है? और फसल खराब होने का चांस है पूरे पूरे। खाद नहीं मिलेगा तब जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.